time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. अकेडमी, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट एमी चैनल पर एंड लीड गेट चैनल पर। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे जो आपके पास रिमेनिंग मंथ है, उस रिमेनिंग मंथ में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड की, ताकि आप गेट 2022 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट वरी हैं कि सर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को कैसे इंप्रूव करें, सर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में हमसे चीजें नहीं हो रही हैं, सर हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मैथ्स एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो आपका वेटेज ये 28 मार्क्स टू 30 मार्क्स का है। और अगर आपने इन 28 मार्क्स टू 30 मार्क्स पर कमांड नहीं की तो डियर आप कितना भी ट्राई कर लीजिए टेक्निकल के थ्रू, आप 1 डिजिट रैंक या 2 डिजिट रैंक नहीं ला सकते। तो इसीलिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि लास्ट 5 टू 6 मंथ, यस डियर, अगर देखा जाए तो आपके पास अप्रोक्स 5 टू 6 मंथ आपके पास बचे हुए, तो इन टाइम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को कंप्लीट करें, एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को करें। तो उसमें आपको मैं कैसे मदद करने वाला हूँ, प्लस स्टूडेंट के लिए, स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए, और उन्हें क्या क्या करना चाहिए, तो मैं आपके साथ आज सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट रहता है तो आपके भी जो डाउट है आप सारे डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील करते आ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ, जिसका वेटेज आप सभी लोग जानते हैं 28 मार्क्स टू 30 मार्क्स है। और इसमें हमें 28 आउट ऑफ 28, और अगर आपका
30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 30 में से मिनिमम मिनिमम 28 टू 29 मार्क्स लेकर आने और कैसे आप ला सकते हैं। एंड अगर हम बात करें, एक अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट प्लस से जुड़ना चाहता है तो वे स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन है कि सर प्लस में क्या एडवांटेज है एंड आइकॉनिक में क्या एडवांटेज है, तो मैं आपका वह कंफ्यूजन पहले दूर कर देता हूं। डियर अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। चलिए गाइस, और सर अभी कौन से बैचेस आ चुके हैं, तो डियर एस्केलरेट एंड R1 बैच फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ECE स्टूडेंट्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी 4th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इवॉल्व बैच फॉर कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग इन बैचेस में ज्वाइन होकर आप लास्ट 6 मंथ में अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 38% सेव करेंगे, और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 43% सेव करेंगे। चलिए, तो हमारा आज का जो डिस्कशन है, आज के जो पॉइंट है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, इस पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो माय डियर, अब हमें डिस्कस करना है कि कैसे हम मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को लास्ट 5 to 6 मंथ में कंप्लीट करें ताकि हम गेट 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अगर मैं आपसे सेशन की स्टार्टिंग करूं तो सेशन में सबसे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ें। यस, वन बाय वन ये सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको बता दूं कि आज हम किन किन पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले। हम इस पर डिस्कशन करने वाले कि आपको डिटेल्ड कंसेप्ट में चीजों को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, आपको कितना टाइम देना चाहिए, डेली डोज कंसेप्ट के आपको कैसे इन जो छोटे छोटे से कंसेप्ट है उन्हें डेली रिवाइज करना है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे करना है, किस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है, एंड कैसे आपको लास्ट टाइम पर रिविजन करना रहेगा, तो आपको उस रिविजन के लिए भी आपको अपना टाइम सेव करना है। तो माय डियर, सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी स्टूडेंट को 2 to 3 hours, यस डियर, 2 to 3 hours आपको डेली बेसिस पर देना है, यस 2 to 3 hours आपको डेली देना है मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को, क्योंकि इसका वेटेज अगर आप देखते हैं डियर, तो आपका इसका वेटेज कितना है, 28 मार्क्स टू 30 मार्क्स का आपका इसका वेटेज है। और अगर आपने इन 28 टू 30 मार्क्स में अच्छा स्कोर नहीं किया तो डियर आप जो है, आपका जो एम है 1 digit rank और 2 digit rank का, वह आपका एम फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको 2 to 3 hours डेली बेसिस पर अब आपको मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को देना अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, एंड देन रिमेनिंग टाइम आप अपने टेक्निकल के सब्जेक्ट को पढ़िए, किसी भी प्रकार से कोई इश्यू नहीं। ओके, चलिए, गुड आफ्टरनून डियर, एक बार सभी लोग सेशन के लिंक शेयर कराइए ताकि भाई सभी लोगों को पता चल सके, और वो बार बार सेम ही चीज के बारे में डिस्कशन, आप देखते हैं हमारी YouTube क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, सभी क्लासेस में बार बार एक ही चीज पूछते हैं, सर लास्ट टाइम में मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को कैसे प्लान करें। तो भाई अभी आप सभी लोग सेशन के लिंक शेयर कराएं ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को भी सारी चीजें पता चल सके। तो भाई ये सबसे पहले बात करते हैं हम डिटेल्ड कंसेप्ट की, और इसमें सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा कि स्टूडेंट की मिस्टेक क्या है। माय डियर, अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा। उन्हें बहुत बार कोई भी गाइड करता भी है कि आप एक काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। डियर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल सही बात है, बट बिना डिटेल्ड कंसेप्ट के आपको ये कोई भी एडवांटेज नहीं देने वाला। डिटेल्ड कंसेप्ट का मतलब यह है कि आपको सारी चीजों के पीछे के रीजन पता होना चाहिए कि ये स्टेप ही क्यों लगा, ये फॉर्मूला ही क्यों यूज करा, इसके पीछे अगर मैं ये कंसेप्ट यूज करता तो क्या रहता, मीन्स आपको ए टू जेड सारी चीजें पता होना चाहिए। लेट अस सपोज मैं अगर आपसे कहूं लीनियर अलजेब्रा की, तो आपने कहा सर मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करता हूं, तो सर मैट्रिसेस कितने टाइप के, तो सारी मैट्रिसेस के आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स क्या है, उसके कितने टाइप है, उन सभी चीजों की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसके रिजल्ट है, ए टू जेड सारी चीजें पता होना चाहिए।
बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक कुछ चीजें जान लेते हैं उसके बारे में कि सर अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूं तो उसके दो या तीन रिजल्ट जान लेते हैं, बट अगर आप उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो डियर अप्रोक्स 15 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के, आपको सभी पता होना चाहिए, आप उन दो या तीन के बेसिस पर जो है क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट इन दो तीन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि यार मुझे से आप क्वेश्चंस बनने लगे, बट जैसे ही चीजें डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट होने के बाद वो वहां पर फेल जाते हैं कि भैया अब तो हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। डियर वह क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल है, बस वह क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आपको इसकी चीजों के रीजन नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, कहां से करते हैं। अगर आप बात करें, सिंपल से एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में स्टूडेंट को यह नहीं पता चलता कि सर किस थ्योरम में हम कहां पर सिंगुलरिटी इनसाइड को ध्यान देते हैं, कहां पर आउटसाइड को ध्यान देते हैं, सर यहां पर अगर बात करें तो सर टाइम पीरियड का क्या रूल है, सर यहां पर अगर बात करें सिंगुलरिटी कैसे काउंट करते हैं, सर एक्चुअल में रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें उससे नहीं पता रहती। और इसी की वजह से जब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी स्लाइट वेरिएशन आ जाता है, जो उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें उसके अलावा थोड़ा सा भी स्लाइट वेरिएशन आ जाता है तो स्टूडेंट से वे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो माय डियर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर यहां पर आप हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट है, फर्स्ट वन इज जो स्टूडेंट कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के थ्रू, प्लस और आइकॉनिक के थ्रू, और दूसरे स्टूडेंट हमारे पास है जो यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं जो प्लस, यस, जो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग जो वरी थे कि सर आपका मैथमेटिक्स कब आएगा, डियर आपके लिए मैथमेटिक्स आ चुका है एंड उसका नेक्स्ट पार्ट आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, उसका नेक्स्ट पार्ट आपका आज से ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 7th of August, यस यस 7th of August से डेली एट 2 PM पर, यस माय डियर डेली एट 2 PM पर आपकी ये सारी चीजें आपको कराई जा रही है बिल्कुल पूरे डिटेल में। आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सके, आपको डिटेल में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको सारी चीजें मिल रही है वहां पर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग की अगर आप बात करते हैं कि सर यहां पर उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ने वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास यहां पर पढ़ने वाले, सर फूरियर सीरीज पढ़ने वाले, ये सभी चीजें अगर हम यहां पर डील कर रहे हैं, यस यस, तो सर जो रिमेनिंग है उन्हें हम कैसे कंप्लीट करें। डियर आपके रिमेनिंग पार्ट वन और पार्ट टू को आप रिवाइज कीजिए, आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है एंड जब आप उसे रिवाइज करते हैं आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे डाउट सॉल्विंग सेशन में, यस डाउट सॉल्विंग सेशंस में आप उन सभी के डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। मींस ये हुई हमारे बात किसकी, कि जो प्लस के स्टूडेंट्स है, पहले मैंने आपको ये बताया कि आपके लिए डिटेल्ड में पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ उसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो प्लस स्टूडेंट्स है उनके लिए जो मैथमेटिक्स है और जो एप्टीट्यूड है, अगर हम बात करें अभी मैथमेटिक्स की तो आपका मैथमेटिक्स 7th of August से स्टार्ट हो गया एट 2 PM पर और आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस यहां पर रहेंगे तो आप अपने यहां पर अपने सारे डाउट क्लियर करिए। नाउ अब बात आती है सर YouTube क्लास एंड स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स की, तो माय डियर YouTube क्लास एंड स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आपके लिए दो सेशंस चल रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज YouTube में अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर आपके लिए ऑफिसर्स बैच चल रहा है एंड अगर यहां पर बात करें आपकी स्पेशल क्लास में आपके लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, तो सर हम दोनों बैचेस को ज्वाइन करेंगे, यस डियर। सर क्यों डियर, आपके लिए अगर हम बात करें ऑफिसर्स बैच में आपके लिए दूसरा टॉपिक चल रहा है, लक्ष्य बैच में आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है, मींस दोनों में डिफरेंट टॉपिक चल रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को सारी चीजें मिल सके। तो यहां पर आपका ऑफिसर्स बैच भी अवेलेबल है एंड आपके लिए लक्ष्य बैच भी अवेलेबल है। ऑफिसर्स बैच की अगर बात करें तो उसमें अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा चल रहा है, लक्ष्य बैच की बात करें तो उसमें आज हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होगा और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने के बाद उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर वेक्टर कैलकुलस, जो भी स्टूडेंट की नीड होगी उस बेसिस पर हम ये दोनों में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मींस आपके लिए जो यूट्यूब क्लास के स्टूडेंट है, जो प्लस क्लास के स्टूडेंट है, दोनों को किसी भी प्रकार से वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें अवेलेबल हो रही है, बट सबसे पहले चीजों को डिटेल्ड में करिए। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उठा रहे हैं और क्वेश्चन ही क्वेश्चंस में लगे हुए, भैया इससे कुछ नहीं होगा,
क्योंकि जैसे ही कंसेप्ट में स्लाइट वेरिएशन आएगा, जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे आप उनसे कुछ भी डील नहीं कर पाएंगे। आप जो है उससे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन गेट एग्जाम में कर सकते हैं, बट अगर आपने चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ा तो मेरे लाल एक बात लिखित आप ले लीजिए कि आपसे क्वेश्चन वहां पर नहीं बनेंगे। फर्स्ट सेकेंड चीज अगर हम बात करें सर, यस, जो डिटेल्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो डियर आप देखिए 7th of August यानी कि आज से ही 2 PM पर किन किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, जो ME, XE, PI, EE, ECE, CE, CS ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनके लिए अनअकैडमी प्लस पर बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली ड्यूज, कंसेप्ट टेस्ट सीरीज, सभी चीजें आपको A to Z सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। नाउ मूव करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर कि सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है। माय डियर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप टेक्निकल में देखते हैं तो टेक्निकल में आपके वेरिएशंस जो है, यस, आपके वेरिएशंस पर क्वेश्चन आते हैं, आपकी चीजें वेरी होती हैं, बट अगर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है आपके डायरेक्टली सेम टू सेम आते हैं, यस, बट अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। यस, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझसे वहां पर स्लाइट वेरिएशन हो गई, सर मुझसे स्लाइड की मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ गया, माय डियर वो आपसे मिस्टेक क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम की है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी सही नहीं रहेगी, आप जो है वापस सही से टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे, आप वहां पर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको प्रोसेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि सर मुझे इसके बारे में इसकी स्टेप सोचना पड़ेगा। यस, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप बात करें 65 क्वेश्चंस में से, अगर आप उन 65 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप पहली बार देख रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, बट अगर आपने प्रैक्टिस ही कम करी है, आपको क्वेश्चन को देखकर स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है कि हम इसमें कैसे वर्क करें, तो डियर आप वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और गेट एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा रोल लगेगा और आपके टाइम एंड एक्यूरेसी ये दोनों चीजें अगर आपको मैनेज करनी है तो ये चीजें सिर्फ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आ सकती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये सारी चीजें इंप्रूव हो पाएंगी। सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कैसे रहती है सर, माइंड ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की अगर आप बात करें तो जो भी स्टूडेंट पल्लव लाइव टीम से कनेक्टेड है आप देखिए उनके लिए ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिल रहे हैं एंड साथ में उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के जब वे प्रैक्टिस करेंगे तभी पॉसिबल है कि वे अपनी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पर वर्क कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम जो यूट्यूब क्लास और स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, माय डियर आपके पास लास्ट 6 मंथ बचे हैं, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को लेकर चलना है क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लेकर चलते हैं तो डियर इन लास्ट 6 मंथ में आप चीजों को समेटते रह जाएंगे कि मैं ये पढ़ लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, कोई कुछ कहेगा आपसे, कोई कुछ कहेगा, आपको इस वे में स्टडी नहीं करना। तो लास्ट 6 मंथ में माय डियर अगर आपका मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आपका अच्छा है या फिर आपके कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट, आपके कोई भी नॉन टेक सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं तो कोई नीड नहीं है अभी आपको अनअकैडमी से जुड़ने की, अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो, बट अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो माय डियर मैं आपसे कहूंगा कि लास्ट 6 मंथ में आप किसी भी प्रकार से कोई रिस्क ना ले क्योंकि आप अगर आप बात करें तो इन लास्ट 6 मंथ में आपको ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आपने इन पर वर्क नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एक बहुत अच्छी रैंक लाना क्योंकि यही चीजें आपकी इंप्रूव करती है। आपको क्या लगता है कि मैंने सब चीजें पढ़ ली फिर भी मैंने वहां पर स्लाइट मिस्टेक क्यों कर दी, वहां पर मेरे से टाइम मैनेज ही नहीं हुआ, यार मुझे टेंशन था इसकी वजह से नहीं हुआ, मैं एग्जाम में घबरा जाता हूँ, ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, ये सब चीजें आती है जब आप कम से जो है ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते इसकी वजह से, और उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करें, आप 5 to 10 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करें और जो भी पल्लव लाइव टीम के मेंबर्स हैं सभी को ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो बात आती है दूसरी चीज के सर डेली डोज कंसेप्ट सर इसका क्या रोल है, डियर ये एक प्रकार से आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन के लिए सर इसे हमें टॉपिक वाइज करना है या फिर रैंडम बेसिस पर, डियर टॉपिक वाइज के लिए तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये डेली डोज कंसेप्ट आपके रैंडम रिवीजन के लिए
सर रैंडमली अगर मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ तो सर ये मुझे कैसे बेनिफिशियल होगा? डियर ये चीजें हैं आपके जो टॉपिक कंप्लीट हो गए। लेट अस सपोज आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया, अगर आप एप्टीट्यूड की बात करें आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम कंप्लीट हो गया, और अगर इनमें से कोई भी रेंडमली आपको कंसेप्ट उठाकर दे दे तो आपको ये चेक करना है कि मुझे याद भी रह रही है या नहीं चाहिए। मुझे अगर चीजें आपने उसमें रिविजन के बेसिस पर कुछ टॉपिक पढ़ लिए बट आपको चीजें रिविजन के बाद भी कुछ चीजें याद नहीं है जो डायरेक्टली आपसे बीच में पूछ ली जाए कुछ भी, तो आप इसके लिए आपके लिए डेली डोज कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट आपके माइंड में सिर्फ 3 to 4 मिनट लेगा आपके डेली के बेसिस पर। जैसे कि अगर आपकी बात करें यहां पर यस, जैसे ये आपको डेली डोज कंसेप्ट में दिया गया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या क्या है, तो ये जो सीरीज आपको दी गई है आपको क्विक बेसिस पर 3 to 4 मिनट या 5 मिनट के बेसिस पर आपको ये चेक करना है कि यस मुझे ये सीरीज याद है या नहीं, और जो सीरीज मुझे याद नहीं है उन सभी सीरीज को या जो भी कंसेप्ट आपको दिया गया है डेली डोज बेसिस पर उस कंसेप्ट को आप रिवाइज करिए। यस उस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि यार ये कंसेप्ट मुझे याद नहीं है, हाँ ये टॉपिक कंप्लीट जरूर हो गया बट मैं इस टॉपिक को भूल रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को अगर भूल रहा हूँ तो इस टॉपिक पर मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वह चीजें आप लिखिए, क्योंकि ऐसे में आपको चीजें ही पता नहीं चलेंगी कि मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है, किस टॉपिक पर इंप्रूवमेंट करना है, कैसे मैं इंप्रूवमेंट करूं, कौन सा टॉपिक इंप्रूव करूं, ये सब चीजें आपको मिलती है डेली डोज कंसेप्ट से, जब आपको रेंडमली कंसेप्ट दिए जाते हैं उन सभी चीजों से। यस सिस्टमेटिक वे में तो आपको सारी चीजें मिल ही रही बट रेंडम बेसिस पर आपके ऐसा कोई नहीं कि जो आपसे रेंडमली उठे चले कोई भी सीरीज पूछ ले। पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, पहले स्टूडेंट्स कोई ग्रुप है 4 to 5 फ्रेंड्स का तो घूमते फिरते किसी ने किसी से कुछ पूछ लिया, बट अभी आपसे कौन पूछेगा मुझे बताइए, अभी आपसे कोई भी क्वेश्चन उठे चले आपका फ्रेंड कौन पूछेगा आपसे कि यार ये फॉर्मूला बता, ये सब चीजें बता, ये सारी चीजें आप ही को करनी है। और ये चीजें स्टार्ट किए डेली डोज कंसेप्ट के थ्रू ताकि जो भी स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट को इसका एडवांटेज हो। नाउ सबसे अच्छा पॉइंट है आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए कि आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस लगाएं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर सिलेबस में वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में उसमें ये चीजें टफ आती है, हमारे इसमें तो ईजी आती है। डियर आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी, हाँ आपको ये जरूर देखना है कि आपके उसमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट की ब्रांचेस की बात करें तो आपको ये चेक करना है कि हमारा जो है वह सिलेबस में टॉपिक है या नहीं। जैसे कि डिस्क्रीट मैथ्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि यस डिस्क्रीट मैथ्स जो कंप्यूटर साइंस में वो हमारे लिए नहीं है बट रिमेनिंग जो टॉपिक्स दोनों के सेम है हमें उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के साथ अगर देखा जाए तो आपके पास सबसे अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और अगर आप बात करें आपको ज्यादा से सभी ब्रांचेस में इसमें से चीजें आई और डायरेक्टली आप देखें तो आपके एक टॉपिक पर अगर आप बात करें तो आपको 50 to 70 क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी ब्रांच के करने, हाँ जो आपके लिए सिलेबस में नहीं है बस उस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद आप ये ना सोचें कि ये टॉपिक उनके लिए टफ आता है, ये टॉपिक हमारे लिए इजी आता है, ये टॉपिक हमारा टफ है, ये टॉपिक उनका इजी है। माय डियर आपको एक एडवांस लेवल पर पहुंचकर प्रिपरेशन करनी है ताकि आप वहां पर गेट एग्जाम में रेडी रहे हर चीज के लिए कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि अगर आप देखें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो है ईसीई के ब्रांच में क्वेश्चन टफ आते हैं, जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बात करी मैपिंग के क्वेश्चंस अभी तक आपको ईसीई ब्रांच में ही दिखते थे बट अभी मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में आपको एक क्वेश्चन आ गया, फिर आप उसको सोचते हैं यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो मैंने वैरायटी करी ही, तो भाई आप वो वैरायटी कर सकते थे कैसे जब आप ईएससी के प्रीवियस ईयर ईसीई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते कि यस ईसीई ब्रांच के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से, और वे सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं ना। अब बात आती है कि सर इसमें आप किस प्रकार से हेल्प करेंगे। डियर आप जो भी हमारे YouTube के सेशन है, जो भी आप स्पेशल क्लास के सेशन है आप उन्हें ओपन कीजिए और आप उसमें जाकर देखिए, आपको सभी ब्रांच के मैंने सारे क्वेश्चंस कराए। यस बिल्कुल जस्ट सेम क्वेश्चंस है कि यार सर ये सेम है तो उन सभी क्वेश्चन को अंडर कंसिडरेशन में नहीं लिया, उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराए, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए ताकि जस्ट सेम क्वेश्चन को आप ट्राई करें। और उसके अलावा जिसमें स्लाइट वेरिएशन है अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज है तो आपको सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के देख सकते हैं, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं जिसको मैंने ऐसा लिया है कि यार ये ब्रांच जो है हमारे उसमें नहीं। मेरे लिए मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसीई ब्रांच, एमई ब्रांच, सारी की सारी ब्रांचेस मेरे लिए सभी स्टूडेंट सेम है। आपको सभी ब्रांचेस के मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए
बट आप सभी स्टूडेंट को अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं कुछ भी चीजें करने को तैयार है। यस, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये डिजिटल का टाइम है। ये मैं जानता हूं कि इस डिजिटल के टाइम को अगर आप सही से यूज करते हैं तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आप सही से इसे यूज करें तो आप अपने प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं, बट अगर आपने इसे सही से यूज नहीं किया तो वही ब्रह्मास्त्र आपको लगेगा डियर। यस, क्योंकि अगर आप देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोबाइल में कुछ भी चीजें देखते रहते हैं, कुछ भी दिख गया। जैसे आज मैट्राइसेस पढ़ रहे हैं तो मैट्राइसेस पे देखा कि ना जाने कोई ने ये डाल दिया शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस या मैट्राइसेस का ये, तो वो उसमें देखते हैं यार क्या ट्रिक है, बाद में पता चला कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था यार। तो भैया एक सिस्टमेटिक अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस पे भरोसा रखिए, और जो वो चीजें करा रहे हैं उन सभी चीजों को उतना ही करिए। कोई भी ज्यादा ये नहीं कि रैंडमली इधर उधर घूम रहे। कैसे पता चलेगा कि सर ये टीचर हमें सारी चीजें करा रहा है या नहीं? भैया सिंपल सी चीज है, दो चीजों से आपको पता चलेगा। फर्स्ट थिंग, जो भी टीचर ने पढ़ाया उसके सारे नोट्स बनाने के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं, और टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं आपसे बन रहे हैं कि नहीं। अगर वो दोनों चीजें बन रहे और चीजें उसने फील करके पढ़ाई है, ऐसा नहीं मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट रटने को कहा जा रहा है कि ऐसा होता है, मतलब होता है भाई ये रूल है, ये चीजें हैं आपको ध्यान रखें। भैया अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपके पास मिनिमम 12 टू 13 सब्जेक्ट है, और इन 12 टू 13 सब्जेक्ट को अगर आप देखें तो आप जो है इतनी ज्यादा डेप्थ में आपको चीजें हो जाती है कि आपके दिमाग से आप भूलने लग जाते हैं। जो स्टूडेंट कहते हैं सर मैं तो भूल गया, उसके पीछे अगर देखा जाए तो कुछ जो है कुछ परसेंट तक उसके लिए टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसने उसे फील के साथ नहीं पढ़ाया, उसे डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे कर लिए। स्टूडेंट से एट दैट टाइम तो क्वेश्चन बन जाते हैं, यस एट दैट टाइम उससे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि उसने टॉपिक रिसेंट पढ़ाई था, बट उससे लॉन्ग टर्म में उसको चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि मेन रीजन यही है कि उसे फील नहीं पता, उसके मेन रीजन नहीं पता, उसका डेप्थ नहीं पता। तो भैया जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे वह टेक्निकल हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एफटी हो, उसे बिल्कुल डेप्थ में पढ़ो, वो भी फील के साथ, उसके एक्चुअल रीजन के साथ। आप एजुकेटर से अपने डाउट पूछना सीखिए कि यस मुझे ये डाउट है भाई, इसका रीजन बताइए। हर चीज डायरेक्टली रटने की नहीं होती। हाँ, अगर 2 × 2 = 4 होता है तो ये नहीं कि आप उसमें पूछे ये 4 कैसे आया, बट आपको अगर कोई थ्योरम बताई गई है, आपको अगर कोई भी कंसेप्ट बताया गया तो भैया आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। सारी चीजें आपको पता रहेगी तभी आप यार इतने 12 से 13 सब्जेक्ट को दिमाग में रख सकते। आप रट के 12 से 13 सब्जेक्ट नहीं रख सकते। आप देखिए, आपको टेबल याद होंगे कि सर मुझे 2 to 10 तक के टेबल से याद है, बट उससे ज्यादा के टेबल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते। क्यों नहीं रहते भाई? क्योंकि भाई वो चीजें हम डायरेक्ट रटते हैं, बट ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें वो तो आपको रटनी पड़ेगी, बट अदर देन दैट आपको सभी चीजों का रीजन पता करिए कि एक्चुअल में इसका रीजन क्या है। सर हमें इसके डेप्थ में बताइए। अगर आपको डायरेक्ट रटने कहा जा रहा है तो एट दैट इंस्टेंट आपसे क्वेश्चन बनेंगे, एट दैट इंस्टेंट आपको अच्छा भी लगेगा, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बिल्कुल भी एडवांटेजेस नहीं है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सर टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज से हमें क्या एडवांटेज है? टेस्ट सीरीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो प्लस क्लास के स्टूडेंट है उसके लिए, आपको अभी मैंने बताया कि प्लस क्लास के स्टूडेंट के लिए सेपरेटली गेट 2022 के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज अनअकैडमी ने स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यस प्लस टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022 बाय अनअकैडमी आपके लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। और जो स्टूडेंट यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, डियर आप सभी स्टूडेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। कौन सी? इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हम किस किस के लिए टॉपिक पर ध्यान देंगे? हम ध्यान देंगे एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स पर। और भैया टेस्ट सीरीज आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज आपके वीकली बेसिस पर, यस टेस्ट सीरीज आपको वीकली बेसिस पर ही देना है ताकि आप हर वीक अपना इंप्रूवमेंट चेक कर सके। अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं आया है तो आप ये चेक कर सके कि भैया कहां पर मैं गलती कर रहा हूं, किन चीजों में मिस्टेक कर रहा हूं, मुझे किस पर इंप्रूव करना है, मुझे ज्यादा आर्स स्टडी करना है, या फिर मैं गलत जगह से चीजों को पढ़ रहा हूं, या फिर मुझसे कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा। ये सब चीजें आपको टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलेगी। इसलिए सभी स्टूडेंट एक अपना टाइम सेट कर लें कि भैया हमें जो है टेस्ट सीरीज वीकली बेसिस पर देना। एक डे आप सेट कर लीजिए कि मुझे इस दिन टेस्ट देना है, मतलब देना है कोई भी रीजन। नाउ बात करें प्लस स्टूडेंट्स के लिए, तो भैया प्लस के स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022 अनअकैडमी ने निकाला है, तो आप उसके अपना रिमाइंडर सेट कर लें। कोई भी भाई देखिए, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो, दो टॉपिक कंप्लीट हो, आपको जो है भले ही कितना भी हो आपको टेस्ट देना है।
अगर आपको ये लगता है कि सर इस मेरे मार्क्स तो कम आएंगे, भैया मार्क्स कम आएंगे तभी तो गलती पता चलेगी। यस, अगर आपने कम पढ़ा है, आपने टेस्ट दिया, आपने कहा कि सर ये टॉपिक तो मैंने जो है थोड़े से ही पढ़ा है और जो टेस्ट है वो फुल लेंथ का और मुझे जो है मैंने दो ही टॉपिक पढ़े, तो भैया आप जो टेस्ट देंगे उन दो टॉपिक के क्वेश्चंस भी जब आप करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि आपसे वो दो टॉपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। और आप सोचे कि मैं पूरा 12 से 13 सब्जेक्ट कर लूंगा, तो भैया आप पूरे एक साल सब्जेक्ट के साथ टेस्ट सीरीज आप जो है सिर्फ जनवरी मंथ में ही दे पाएंगे। यस, जनवरी दिसंबर मंथ में दे पाएंगे, बट अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मेरे सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे तब मैं टेस्ट दूंगा, तो उससे कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। तो अभी से टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें, अभी से ही आप वीक में जो है एक बार टेस्ट कर जो है डे फिक्स कर लें। नाउ बात आती है कि सर जो पल्लव लाइव टीम के मेंबर्स हैं, जो भी मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए अगर आप देखें तो आपके लिए गेट के लिए इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए मैंने। सर ये जो टेस्ट सीरीज है इसका शेड्यूल वगैरह क्या है अगर आप देखें तो इसमें आपके लिए 15 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आप सभी के लिए 5 मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट हैं एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। मींस अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये कितने टेस्ट हैं आपके अप्रोक्स, आप देखें यहाँ पर तो आपके लिए यहाँ पर 60 टेस्ट है माय डियर। यस डियर, ये जो टेस्ट है आपके लिए मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, और अगर आप देखें तो इसमें हमारे कौन कौन से टेस्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। यस, आपके लिए लीनियर अलजेब्रा टॉपिक वाइज, लीनियर अलजेब्रा टॉपिक वाइज, डिफरेंशियल कैलकुलस 1 टॉपिक वाइज, एंड सेम अगर आप देखें, यस डेट देखिए आपके लिए 7th अगस्त आज, तो भैया आज ही आप जाके देख सकते हैं कि आज आपके लिए टेस्ट शेड्यूल्ड है। यस बिल्कुल, हम शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं कि आपका जो टेस्ट है, टेस्ट तो होना है, उसके आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो एक बार आप YouTube पर ही हमारा सेशंस डाला है कि डायरेक्ट फ्रॉम द नोट्स आई ओपनिंग सेशन, इस सेशन में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उससे ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ESC में मिले, और कल ही ESC का रिजल्ट आया है। आप देखिए कि कुछ स्टूडेंट, यस कोई स्टूडेंट 2 मार्क्स से, कोई स्टूडेंट 4 मार्क्स से रह गया। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े होते भैया तो इस सेशन में आप देखिए जो 11 से 12 आपके जो क्वेश्चन है, यस आपको किसी हमने आपको स्पेशल क्लास YouTube क्लास जो है सभी जगह में अगर आप देखें तो आपको सभी वैरायटी कराइए। 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए, एक भाई बिल्कुल आपका नंबर भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल नंबर भी चेंज नहीं हुआ है। आप सभी लोग चाहे तो YouTube पर देख लीजिए, मैंने उसमें आपको वीडियो भी दिखाया है कि ये क्वेश्चन है कहाँ पर, हमने किस सेशन में ये चीजें कराई है, कैसे उसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। आपको YouTube पर ये सेशंस अवेलेबल है तो आप देख लीजिए डायरेक्ट फ्रॉम द नोट्स। आप इसे आई ओपनिंग सेशन का आप सभी स्टूडेंट के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इस सेशन को देखिए ताकि आपकी रियली आंखें खुलें, क्योंकि स्टूडेंट इधर उधर भटकने में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और भैया एक जगह पर एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करिए, अदरवाइज आप जो है भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि आपको जो डिजिटल चीजें हैं वह चीजें आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको जो है गेट एग्जाम में इसे यूज करना है या फिर खुद के ऊपर यूज करना है। और स्टूडेंट्स जो है एंटरटेनमेंट हुआ कि यार ये बढ़िया एंटरटेनमेंट बढ़िया करते हैं, इन्हें ये एंटरटेन अच्छे करते हैं तो इनके सेशन में बैठते हैं, या फिर ये देखते हैं कि सर ये जो चीजें हैं यहाँ पर डायरेक्टली बहुत जल्दी वे में कंप्लीट हो रही है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे, भाई क्या काम की चीजें ये बताइए। इंटरटेनमेंट आपको अभी अच्छा लगेगा बट गेट एग्जाम को जब आप 3 घंटे का टेस्ट देकर आएंगे, पेपर देकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी मतलब का नहीं। फर्स्ट, दूसरी चीज कि यार ये ट्रिक बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, भैया वो शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली आपको कंसेप्ट को घुमाकर कह देते हैं। जैसे आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया कि सर ट्रेस क्या होता है, सर ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ द आइगन वैल्यू, यस ये आपका रिजल्ट है, बट स्टूडेंट्स को घुमाकर चीजें बताई जाती है कि आप देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट और इनको जोड़िए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप उसके पीछे का डेप्थ अगर आप जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारे कंसेप्ट है, ये सब चीजें डिटेल्ड में मैंने चीजें पढ़ी है। स्टूडेंट डिटेल में नहीं उन चीजों को पढ़ता, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान से नहीं देखता, इसलिए उसे लगता है वाओ ये तो बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताई। भैया कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, किसी भी यार लाइफ में सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ आपको स्टेप्स बताई जाए कि आप इसकी थ्रू आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं तो ये आपके लिए वैलिड रीजन है, बट आपको उसका रीजन ना बताकर कि ये कहां से आया है, ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक, ये भैया बिल्कुल गलत स्टडी का तरीका है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग कि आप ये चेक करिए कि आपको जो पढ़ाया गया है उसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं। आप सभी जो स्टूडेंट यूट्यूब पर जाकर देखिए, मैंने वीडियो डाला है आप सभी के लिए, आप उसमें आपके आंखें खुल जाएंगी कि भैया जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए थे आपके 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट विदाउट एनी चेंज, बिना
आपके लिए डेटा भी चेंज किए बिना आपको ESC में उसके दो क्वेश्चंस दिखे और बाकी के सभी के कंसेप्ट आपको सेम वैरायटी के सारे क्वेश्चंस कराए गए। दिस इज द क्वालिटी माय डियर, और आप इन सभी का ध्यान रखें और इस वे में स्टडी करें, ना सिर्फ मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, आप जो है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट भी इसी वे में करें। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट की सर जी, रिविजन कब स्टार्ट करना है? डियर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के रिविजन के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके शॉर्ट नोट। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि सर वो है उनका आलस। सर आलस कैसे, हम तो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। भैया सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप जो है एजुकेटर से ये मांगते हैं कि सर मुझे हैंड रिटन नोट्स दे दीजिए और उनसे वे पीडीएफ फॉर्म में उसे डायरेक्ट अपने पास रख लेते, या फिर उस पीडीएफ को क्या करेंगे प्रिंट आउट निकाल लेंगे और फिर कहेंगे वाह मेरे पास तो सारी चीजें। मुझे एक सिंपल सी बात आप ये बताइए कि जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद क्यों नहीं रहती? भाई हैंड रिटन नोट्स जो है, यस ये हैंड रिटन नोट जो है उससे आपके मेमोरी में भी ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी, चीजें भी आपको ध्यान रहती हैं और आप जो है उसमें अलग अलग वे से अपने याद करने के तरीके लिख पाते हैं कि यस यहाँ पर डबल स्टार क्या है तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ट्रिपल स्टार क्या है इसमें मैं ज्यादा मिस्टेक करता हूँ, मैंने रेड कलर से किया है मतलब इससे मैंने टेस्ट सीरीज में मिस्टेक की थी, एंड यहाँ पर आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख पाते हैं कि हाँ ये मिस्टेक होती है, या फिर आप लैंग्वेज में उस कंसेप्ट को लिख पाएंगे। और जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आपको उसके सभी के फॉर्मूले लिखने। भाई शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरा की पूरा जो कंसेप्ट है पूरे की पूरे उतार दिए, ना देखे आपने कॉम्प्लेक्स पे बनाने बैठे तो बैठ गए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच एक्स इज अ रियल नंबर एंड वाई इज अ इमेजिनरी नंबर। ना 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 मेरे लाल ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपके लिए जो जैसे उसमें डायरेक्ट लिखिए पोलार फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज, ऐसे वे में आप शॉर्ट नोट्स को बनाइए। और शॉर्ट नोट जो आप बना रहे हैं, जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हुआ, तो उसे आप क्या कीजिए, उसे आज नेक्स्ट डे उसे रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट डे उसे रिवाइज करने के बाद उसे तीन दिन बाद रिवाइज कीजिए, फिर आपका जो एक दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा तब फिर आप दोनों टॉपिक को रिवाइज कीजिए, और इन सभी में आपको मदद सिर्फ शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। तो सभी लोग अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाएं और आप सभी को मैं भी आपको मदद करूंगा आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह में, जो भी पल्लव लाइव टीम मेंबर्स स्टूडेंट है सभी को शॉर्ट नोट्स की आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको कैसे इसमें रिविजन करना है, कैसे आप उन नोट्स से रिवाइज कीजिए। बट उसमें भी मैं आपको ये कहूंगा कि जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप उससे खुद भी उससे आप डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, बट उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम रहता है तो खुद के नोट से जरूर बनाए लिया, क्योंकि हैंड रिटन नोट से ही चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। चलिए यस, और अगर हम स्पेशल क्लास की बात करें तो भैया आपके लिए लक्ष्य बैच भी चल रहा है आपके लिए स्पेशल क्लासेस पर, तो ये सारे आपके लिए एडवांटेज है, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, वहां पर कूलिंग की फैसिलिटी, जो स्टूडेंट प्लस से नहीं जुड़ पा रहे हैं वे स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आप एनी टाइम एनी वेयर कोई भी सेशन को देख सकते हैं। अदर देन दैट जो स्टूडेंट चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए कल कॉम्बैट होने वाला है तो वह स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट दे सकते हैं। सेकंड ब्रांच के स्टूडेंट, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसीई ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट, आपके लिए कॉम्बैट होगा एट 11 AM पर। और जो कैंपस प्लेसमेंट भी आईटी जॉब चाहते हैं उनके लिए भी माय डियर अनअकैडमी पर बैचेस हैं, तो आप उन बैचेस का एडवांटेज ले सकते हैं। यस, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपका कौन सा बैच चल रहा है प्लस पे डियर, अगर आप देखें तो आपके लिए डिटेल्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बैच चल रहा है, जो आज भी आज से ही आपका उसका थर्ड पार्ट होने वाला है। किस टाइम पर? 2 PM पे, मींस जस्ट 20 मिनट्स बाद हम मिलने वाले। ओके यस, अदर देन दैट जो मैथमेटिक्स वगैरह उसके लिए पूछ रहे थे, तो डियर आई थिंक अब आप सभी लोगों के आंखें खुल चुकी होंगी कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डियर, आपको टेलीग्राम की लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई है। ओके, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है
तो भैया आपके लिए इस ऑफर का एडवांटेज ले कि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर आप 38% एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पर आप 43% सेव कर सकते हैं। और जिसने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड की गई, आप उस लिंक के थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग कोई वरी है, कुछ चाहता है तो भाई पूछ लीजिए आप। किसी को कोई डाउट या किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार से चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सेशन को एंड करें। किसी को कोई कंफ्यूजन किसी को कोई डाउट? चल सेशन को एंड करते हैं गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड माय डियर, आप अपने लास्ट टाइम जो है आपके पास उसे वेस्ट मत कीजिए, एक राइट वे में अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ओके चलिए, और जो भी अनअकैडमी प्लस पर है मिलते हैं भाई 2 PM पर। थैंक यू सो मच। Time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.